Hello everyone, in this video I will try to cover Dr. YSP GMC Government Medical College Nahan and most happening places of Nahan. So let's begin. Hello friends, welcome to my YouTube channel and आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर वाई एस पी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन और मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा आज पूरे ब्लॉग में डॉक्टर वाई एस पी मेडिकल कॉलेज की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं दिन का। इट्स ऑलमोस्ट 9 AM एंड मैंने प्रणाम कर लिया एंड नाउ आई एम ऑन माय वे टू माय कॉलेज and I am about to reach Kunnughat. This one is Kunnughat Police Chowki and on both these ways you can go to Dr. YSP GMC Nahan. और इस टाइप से आप लोगों को कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा अगर आप लोग वॉक करके भी आओगे और व्हीकल से भी आओगे। You have to walk straight. देख सकते हैं आप पीछे मेरा ये व्यू और मैं अब वॉक कर रहा हूँ। सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2-3 मिनट। दिस वन इज जीएसटी वेपन और यहाँ से अगर आप लोग लेफ्ट साइड जाओगे तो कॉलेज के मेन गेट आएगा और इससे पहले ओपीडी बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट जाएंगे। और नीचे अगर आप लोग जाओगे तो पहले आर्टिफिशियल सैंपल कलेक्शन जहाँ पे होता है ये मिलेंगे आप लोगों को। और इस साइड आप लोगों को ये दिख रहा है सामने एक वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे आप लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। एंड दिस वन इज आर्टिफिशियल सैंपल कलेक्शन एरिया। एंड अगर यहाँ से भी आप लोग स्ट्रेट चलोगे तो लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है 2 फ्लोर में और उसके ऊपर कोविड आइसोलेशन वार्ड है। और स्ट्रेट अगर आप लोग देखोगे तो ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे आरटीपीसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन भी होता है और ये एंट्री गेट है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। और ये डॉक्टर वाईएसपी जीएमसी मेडिकल कॉलेज नाहन की मेन गेट है और यहाँ से अगर स्ट्रेट से लोगे आप लोग तो ये प्रिंसिपल ऑफिस है आप लोग के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये ब्लड बैंक है। यही एंट्री गेट है कॉलेज का, 2 एंट्री गेट है कॉलेज का और ये सिक्योरिटी पॉइंट है। ये एंट्री गेट फर्स्ट एंट्री गेट है और लेफ्ट साइड से एक एंट्री गेट मिलेगा जहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जाएंगे अब। और ये सत्री है, ये फर्स्ट सत्री है कॉलेज का और यहाँ ओपीडी वगैरह पेशेंट वगैरह का वेटिंग एरिया है और यहाँ से एक्सरे डिपार्टमेंट वगैरह और अंडर क्लासेस लेक्चर हॉल वगैरह भी है इसके अंदर। और ये ब्लड बैंक है नाहन मेडिकल कॉलेज का और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये डिस्पेंसरी वगैरह है यहाँ पे और कैश काउंटर भी है। अब ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी केसेस डील करते हैं। और यहाँ से अगर नीचे जाओगे आप लोग तो ये जनरल वार्ड है। और यहाँ से आप लोग अगर व्यू देखोगे नीचे तो बहुत ब्यूटीफुल है। और ये वीडियो में मैं बाहर बाहर से शूट करूँगा क्योंकि अंदर अलाउ नहीं होता है ऐसे जनरली। आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और कुछ सजेशन चाहिए नहीं तो फिर कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हो। अगर हम लोग जहाँ पे थे अभी वहाँ से अगर स्ट्रेट ऊपर आएंगे तो यहाँ से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे हम लोग तो वहाँ से डायरेक्ट एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह भी आप लोग जा सकते हो इस रास्ते से। और यहाँ से अगर आप लोग राइट साइड आओगे तो ये रेड क्रॉस का एक कैंटीन है, यहाँ पे आप लोग टी वगैरह स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। और ये नर्सिंग कॉलेज है। छत्री से अगर आप लोग
लेफ्ट साइड आओगे तो स्टेज जो दिखेगा आप लोगों को, ये टीवी वार्ड है जहाँ पे टीवी सैंपल्स एग्जामिन करते हैं। और उसके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है और यहाँ पे भी एक लेक्चर हॉल है। अब यहाँ से स्टेज जाओगे तो ये ओपीडी डिपार्टमेंट्स है, जनरल मेडिसिन वगैरह सब है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ENT वगैरह सब हैं। और यहाँ से अगर जाओगे आप लोग तो SRL लैब भी है। अब हॉस्पिटल के बाहर हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को राइट साइड में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट दिखेंगे और लेफ्ट साइड में डिस्पेंसरी और केस काउंटर भी होगा। और वहाँ से भी थोड़ा अगर आगे जाओगे आप लोग, राइट साइड में SBI टीम होगा। और वहाँ से अगर आप लोग बाहर निकलोगे मेल गेट से तो ये डिफरेंट मेडिकल शॉप्स एंड स्नैक शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप लोग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कर सकते हो। और हम लोग अभी ये व्यू ले रहे हैं ऊपर से। और यहाँ पे मैक्सिमम जो बिल्डिंग है ना बस वो अंडरग्राउंड है, तो ऊपर से आप लोगों को दिखाई देगा और बाहर बाहर से ऐसे ही दिखाई देगा कि एक ही फ्लोर है, लेकिन सब बिल्डिंग अंडरग्राउंड बिल्डिंग है। और अब लंच टाइम हो गया तो थोड़ा बहुत हम लोग खाना खा लेते हैं। लंच ऑलमोस्ट डन एंड ये हम लोग अपने से जा रहे हैं हम लोग के डिपार्टमेंट में। और ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और ये कॉलेज के कंस्ट्रक्शन है और ये OPD बिल्डिंग है। यहाँ से भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, लेकिन आज कॉलेज बंद है रविदास जयंती की वजह से, तो ये यहाँ से बंद है। और सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अब ये कोविड आइसोलेशन वार्ड, और यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कोविड आइसोलेशन वार्ड को एंट्री गेट है, यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट 5 PM नाउ। आज दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया, बिजी दिन था पूरा। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घर। और उससे पहले ही हम लोग देखेंगे अब रास्ते में कुछ अगर घूमने का प्लान हुआ तो फिर घूम भी सकते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग जा रहे हैं गुन्नू घाट की तरफ। आई होप all of you enjoyed this video or please subscribe and like this video। कॉलेज से निकल के अगर आप लोग आओगे तो ये वेटरनरी हॉस्पिटल है। और यहाँ से अगर आप लोग नीचे जाओगे तो लेफ्ट साइड में एक मस्जिद भी है। और अब हम लोग जा रहे हैं गुन्नू घाट की तरफ। ये नाहन के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एरिया है। ये मॉल रोड है, जैसे शिमला में होता है ना ऐसे ही यहाँ पे भी ये मॉल रोड है। और ये पहाड़ी ट्रेडिशनल कल्चर स्टेचू है और यहाँ पे भी आप लोग इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे पार्क के जैसा बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं और वॉक भी करते हैं इस रोड में। और रास्ते की राइट साइड में आप लोगों को डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगे। और ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के स्टेचू हैं और इन्हीं के नाम से हम लोगों का कॉलेज का नाम भी डॉक्टर YSP GNC नाहन हुआ है। और ये नीचे वाले रास्ते शिमला जाते हैं और ये हम लोगों का सेकेंड मोस्ट हैपनिंग एरिया है। यहाँ पे आप लोग क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ खेल सकते हो यहाँ पे। ये सोगान कैंपस है और स्ट्रेट जो आप लोगों को दिख रहा है ये रेड कलर का, यहाँ पे भी हम लोग के मेडिकल कॉलेज का एक कैंपस है। और ये आप लोगों को सामने जो दिखाई दे रहे गुरुद्वारा है, यहाँ पे भी आप लोग विजिट कर सकते हो।
और यहाँ से अगर आप लोग स्ट्रेट जाओगे ऊपर तो ये महलात का रास्ता है। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में महल दिखाई देगा और ये पुराने ज़माने से ही है, और राइट साइड में आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाई देगा। इस टाइप का लाइब्रेरी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप लोग अपने बुक ला के पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, हम लोग के कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ऑलरेडी बुक्स वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। और ये महल की दीवारें हैं, और इससे थोड़ा आगे जाओगे तो ये महल के गेट भी आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। और अब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और ये रास्ता बड़ा चौक तक जाते हैं। बड़ा चौक में बहुत सारे मंदिर हैं, और अब हम लोग बड़े चौक तक जा रहे हैं, और वहाँ से हम लोग रानीताल मंदिर भी जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। यहाँ से अगर आप लोग नीचे आओगे तो ये बड़ा चौक है, और यहाँ पे भी दो मंदिर हैं। ये शिव जी के मंदिर हैं और दुर्गा माता के मंदिर भी है साइड में। और यहाँ पे ये फूड स्टॉल भी लगा हुआ है, वेजिटेबल स्टॉल भी लगा हुआ है। और साइड में आप लोगों को ये सामने दिख रहा होगा, ये जगन्नाथ जी टेम्पल था, और यहाँ पे वेजिटेबल शॉप और किचन वेयर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और वैरायटी शॉप्स है यहाँ पे। ये मेन मार्केट है नाहन की। हम लोग अभी गली के अंदर से जा रहे हैं, कि ज़्यादा शॉर्टकट आप लोग भी ले सकते हो। आप लोग जब नाहन एक्सप्लोर करोगे ना तो आप लोगों को भी आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग शॉर्टकट होके जा रहे हैं गली से। रानीताल पार्क हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और आप मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को रानीताल पार्क। यहाँ पे शिवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा, और ये रानीताल में पार्क भी है, और ये एक शिव टेम्पल है। यहाँ पे हर साल शिवरात्रि मनाए जाते हैं, ये वाला मंदिर। और यहाँ पे बच्चों का भी एरिया है, तो आप लोग प्लेग्राउंड वगैरह अगर यूज़ करना है तो ऐसे ही प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग मंदिर की तरफ थोड़ा जाएंगे, और आप लोग लोकेशन एंजॉय करो। अब हम लोग रानीताल टेम्पल पहुंच गए, और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं शिव मंदिर। बहुत प्यारा शिव मंदिर है ये। और अब हम लोग थोड़ा शिव मंदिर के अंदर जाएंगे, और आप लोग को भी मैं अब व्यू दिखाऊंगा उनके अंदर से। हम लोग अब शूज निकाल लेते हैं, और उसके बाद ऊपर जाएंगे। चलो
हम लोग अब मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं और यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हैं। एक परिक्रमा कंप्लीट हो गया है और ये फ्रंट व्यू है मंदिर का और यहाँ पे शिवरात्रि मनाया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं आके यहाँ पे अगर आप लोग आना है तो। हेक्टिक शेड्यूल के बाद ऐसा वाला अगर नज़ारा मिल जाए देखने को तो माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाते हैं, इसलिए हम लोग ड्यूटी के बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और ये एनवायरनमेंट देखो आप लोग, यहाँ ये जो पॉन्ड है ना, यहाँ रानी पहले नहाने आती थी और यहाँ पे नहा के एक सुरंग है यहाँ पे, सुरंग से फिर वो महल तक जाते थे। अब हम लोग जा रहे हैं ये सुरंग की तरफ, यही वो सुरंग है जहाँ से रानी महल से आती थी और यहाँ पे जो आप लोग थोड़ी देर पहले देखा पॉन्ड, वहाँ पे वो नहाती थी और फिर नहा के फिर यहाँ से वो महल तक जाती थी। अब ये ऐसे ही ख़राब हो गए हैं और ये अभी क्लोज्ड हो गए हैं और इस टाइप का नज़ारा है यहाँ पे। एक्चुअली कल कुछ कुछ पॉइंट रह गया था और आज डे टू है, ड्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और ये आप लोग पीछे देख रहे हैं मेरा पक्का पेन नहान, यहाँ पे भी एक प्राचीन टेम्पल है और ये जो एरिया है यहाँ पे एक दरगाह भी है और ये आप लोग देख सकते हैं स्टेचू पहाड़ी नदी का और ये देहरादून वाला रास्ता है, यहाँ से देहरादून जा सकते आप स्ट्रेट और ये दिल्ली गेट है और यहाँ से मार्केट एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। और ये रोशन भाई आप लोग देख सकते हैं, आप थोड़ा बहुत नाती करके दिखाएंगे आप लोगों को और ये हम लोग के साथ ही रहते हैं, अच्छे से मिलजुल के रहते हैं रोशन भाई और ये बहुत फनी बन रहा है। और इस टाइप का पार्क आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएंगे यहाँ पे और इससे थोड़ा आगे जाओगे ना तो एक दरगाह भी है। अब इवनिंग हो गए हैं तो वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एरिया नहान की सीजन फ्लिक्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, खूब शेयर कर देना ताकि आप लोग जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।